नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नैनीताल पुलिस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और एसओजी की संयुक्त टीम ने हल्द्वानी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 4 युवतियों और 4 युवकों समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। दबिश देने गई टीम ने किराए के मकान में संचालित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान एक महिला आसाम की पाई गई। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को लालटान स्थित एक घर में सेक्स रैकेट संचालित किए जाने की खबर मिली थी। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर एसओजी के साथ मिलकर उक्त घर में छापेमारी कर दी। आरोपियों ने किराए पर लिए गए मकान में सेक्स रैकेट चला रखा था। मौके से कलकत्ता की रहने वाली महिला सरगना और उसके पति अनुरूल शेख को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ आसाम के एक और दंपति को पुलिस ने दबोचा है। इस महिला के पति का नाम अली हैदर है। गिरफ्तार तीसरी महिला भी कलकत्ता की है, जो ज्यादा पैसों के लालच में फंस कर हल्द्वानी आ गई थी। चौथी लड़की दिल्ली से यहां आई थी। इसके अलावा नैनीताल पुलिस ने काट गोदाम नई बस्ती निवासी ग्राहक शादाब और फैसल को भी गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त अनुरूल शेख और अली हैदर ग्राहक तलाश कर लाने का काम करते थे। महिला सरगना का एक 2.5 साल का बेटा भी है। ये लोग लंबे समय से शहर में सक्रिय थे और हर एक से 1.5 माह के बीच में मकान बदल कर धंधा चला रहे थे। हल्द्वानी से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।